टेक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी भूल भुलैया 2 मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं, कार्तिक कर्यान यार लुकिंग हैंडसम और उनकी जो इस ट्रेलर के अंदर भी एक्टिंग रही है वो आउटस्टैंडिंग। स्पेशली दोस्तों ये जो उनका डांसिंग स्टेप था ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसको थंबनेल भी लगाया। जरा चेक करिए, मींस कि वो जो स्टेप करके पीछे जा रहे होते हैं डांस वाला, वो मुझे दोस्तों पर्सनली इस ट्रेलर के अंदर बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ट्रेलर में। दोस्तों ऑलमोस्ट दोस्तों 3 मिनट का ये ट्रेलर था। अब देखिए ना, भूल भुलैया 2 जो है ये दोस्तों कंटेंट है एज अ फनी, मींस कि भूल भुलैया 1 आई थी अगर आपने देखी हो तो उसका जो कंटेंट था, जॉनरा था, वो फनी को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा था। मींस कि एक बात तो तय थी हमें भूल भुलैया 2 में भी फनी सीन तो देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन ट्रेलर के अंदर दोस्तों कोई फनी सीन इतना नहीं है। जी हाँ, आज इसको देख के आपके पेट में दर्द पड़ जाए, इतनी ज्यादा हंसी आपको आए नहीं। जो डायलॉग्स भी दे ट्रेलर के अंदर फनी, वो भी दोस्तों कोई इतने खास नहीं है। जी हाँ, पुराने डायलॉग्स ही हैं जो कि हमने ऑलरेडी सुने हुए हैं। हाँ, उन डायलॉग्स को दोस्तों कार्तिक आर्यन ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, वो जो स्टार्टिंग में ही बोलते हैं आपको नहीं आपके पीछे की जो दो आदमी है उनको बोलो, मीन्स कि उनकी जो डायलॉग प्रेजेंटेशन थी वो दोस्तों मुझे अच्छी लगी है। लेकिन ट्रेलर को देख के लग रहा है कि यार मूवी के अंदर कॉमेडी सीन को इतने खास नहीं होने वाले, पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ। लेकिन मैं होप यही कर रहा हूँ कि ट्रेलर के अंदर इस चीज़ को दोस्तों हिडन रखा गया है, जब आप मूवी देखेंगे तब दोस्तों मूवी के अंदर बहुत ही कॉमेडी सीन देखने को मिलने वाले हैं। स्टोरी लाइन दोस्तों घूमने वाली है एक बंद दरवाजे के पीछे। जी हाँ, बंद दरवाजा कुछ और ना समझ ले रहा। हाँ, एक दरवाजा दोस्तों जिसके पीछे आत्मा होती है, बेसिकली वो लड़की होती है, मुझे उसका नाम भूल गया। अच्छा, कार्तिक आर्यन क्या करते हैं, उस दरवाजे को खोल देते हैं। वो अब जो लड़की होती है, भूत होती है, वो बाहर आ जाती है। बाहर आके वो सारों को तंग करती है, तो कार्तिक आर्यन उसे कैसे जान छुड़ाएंगे, कैसे उसे पीछे छुड़ाएंगे, यही दोस्तों सारी की सारी स्टोरी लाइन होने वाली है। बात करें दोस्तों राजपाल यादव की, मैं फैन ऑफ कॉमेडी वर्ल्ड में दोस्तों मैं उनका फैन हूं, लेकिन ट्रेलर के अंदर दोस्तों सिर्फ उनका एक दो सीन दिखाए गए हैं जो कि ठीक थे, एवरेज थे, उनका कोई डायलॉग इतना नहीं दिखाया गया। और मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि मूवी के अंदर राजपाल यादव फाड़ देंगे फनी सीन को, क्योंकि भाई फनी कॉमेडी उन पे आके मरती है, कॉमेडी उन पे नेक्स्ट लेवल है, उन पे आके एंड हो जाती है। खैर दोस्तों, 3 मिनट का ये ट्रेलर, 3 मिनट का ये ट्रेलर की ड्यूरेशन थी। और दोस्तों ट्रेलर इसी वे में चलता रहता है, कभी पास्ट कभी फ्यूचर, कभी पास्ट कभी फ्यूचर। और दोस्तों इस ट्रेलर के अंदर सिर्फ कार्तिक आर्यन की नहीं, बाकी जो कायरा मीन्स की जो फिल्म में लीड रोल प्ले कर रही हैं उनकी भी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी ट्रेलर के अंदर तक। मूवी कैसी होगी अभी तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मुझे ये दोस्तों ठीक ट्रेलर लगा, एवरेज ट्रेलर लगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं एज अ फनी लेके चल रहा था कि इस भूल भुलैया 2 में काफी फनी देखने को मिलने वाले सीन, लेकिन ट्रेलर में कुछ खास थे नहीं। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। यही तक अभी तक की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगली आने वाली वीडियो तक मैं रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।